अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहाब खान है और मैं रामपुर यूपी से हूँ और मैं 20 साल का हूँ। रामपुर में हमारा एक छोटा सा घर है। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा, मेरी 5 बहनें और मैं एक भाई हूँ। मेरी 4 बहनें मुझसे बड़ी हैं। मैं बिग बॉस सीजन 15 में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पापा जरी वर्क करते हैं। डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना करा है, वो अब काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में उनको हार्ट अटैक हुआ था, वो हार्ट के पेशेंट हैं। अपने घर का एक भाई जरिया मैं ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं बिग बॉस सीजन 15 में आऊँ क्योंकि इस बार कॉमनर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे ये मौका दीजिए कि मैं बिग बॉस 15 में आऊँ, कामयाब हूँ, ताकि मैं अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ, संभाल सकूँ और अपनी बहनों की शादी करा सकूँ। मेरे अगर नेचर की बात करें तो मैं बहुत ही गुस्सा वाला हूँ, मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है। लेकिन हाँ, मुझे अपने गुस्से पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना आता है। मुझे नए नए लोगों से मिलना बेहद पसंद है, उनसे बातें करना, उनसे दोस्ती करना और मुझे जो बिग बॉस में टास्क होते हैं वो भी बहुत पसंद हैं। वैसे तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मास्टर कर रहा हूँ, MSc फर्स्ट ईयर है मेरा। कॉलेज में भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, हर एक्टिविटी में एक्टिव रहता हूँ। और मैंने अभी एक कॉलेज में नुक्कड़ नाटक किया था, प्ले किया था सोशल मीडिया पर, तो उसका मेरा एक डायलॉग कॉलेज में बहुत ही फेमस हुआ था, वो ये है अरे चलीम चलिएगा चटाला बदमाश, चटाला चटाला बदमाश। उस्मान टकला नाम है मेरा, उस्मान टकला। सुबह घर से निकलते हुए 1 टपकाया, शाम को घर से निकलते हुए 2 टपकाए, दिन भर में 4-5 का टपकाना दूना, रोटी हजम नहीं होती रोटी। तो ये मेरा डायलॉग था। मेरे घर में मेरी बहनें जरी वर्क करती हैं जिनसे हमारा घर चलता है, और मैं कॉलेज के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन देता हूँ जिनसे मेरा कॉलेज का खर्चा निकल आता है। और मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं एक MBBS डॉक्टर बनूं, बट पैसों की वजह से मैं नीट की कोचिंग नहीं कर पाया। वैसे तो ऑनलाइन भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं ऑनलाइन कोचिंग्स की, बट उसमें भी इतना सारा खर्चा आ रहा था कि मैं वो भी नहीं कर पाए। इसलिए मैं मास्टर ऑनलाइन में ही आ गया कि शायद अल्लाह इसी में मुझे कामयाबी देगा, यही सोचकर। और बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो कोई भी आया उसकी पूरी लाइफ ही बदल दी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मुझे ये मौका मिले, मैं भी बिग बॉस में आऊँ, कामयाब हूँ। वो कहते हैं ना, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर करो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। सच्चे व्यक्ति का व्यक्तित्व नमक की तरह अनोखा होता है। जिसकी उपस्थिति याद नहीं रहती, जिसकी उपस्थिति याद नहीं रहती, मगर उसकी अनुपस्थिति प्रत्येक चीज़ को बेस्वाद बना देती है। प्लीज़ बिग बॉस, अपने बेटे को एक मौका दीजिए, मेरा बिग बॉस 15 में आना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।